नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा भाग्यांक दो के बारे में। जी हां दोस्तों, भाग्यांक दो के व्यक्ति के लिए कौन सा काम शुभ रहेगा, किस काम को करेंगे तो सक्सेस मिलेगी, कौन सा दिन, कौन सा रंग, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाग्यांक दो वाले जातकों पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है। ऐसे लोगों का मन व दिमाग शांत रहता है, परंतु कभी कभी उग्र भी हो जाते हैं। वैसे तो वे अपने काम को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त तक इनकी किसी कार्य में मन नहीं लगता। ये अपने काम से बहुत जल्दी उबने लगते हैं। ये इनका नकारात्मक पक्ष है दोस्तों, जिसके कारण कई बार उन्हें व्यापार और नौकरी तक बदलनी पड़ती है। अब मैं आपको बताऊंगा भाग्यांक दो का जो है स्वभाव एवं गुण। अंक शास्त्र में भाग्यांक दो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाग्यांक दो वाले जातक धैर्यवान होते हैं। इस अंक के जातकों में विशेषता जो पाई जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। इस अंक के जातक जो होते हैं प्रभावशाली, सहिष्णु, शिष्ट और उदार होते हैं। भाग्यांक दो वाले लोग काफी भावनात्मक होते हैं और इनका मन चंचलता से भरा रहता है। अंक दो वाले जातकों का स्वभाव उदार और विनम्र होता है। कई बार लोग इस स्वभाव के कारण उन्हें कमजोर समझ लेते हैं, परंतु इस तरह के जातक मौका मिलने पर अपनी योग्यता को दर्शाने से पीछे नहीं हटते हैं। भाग्यांक दो वाले लोग दूसरों को अधिक से अधिक समझ पाते हैं और ये आध्यात्मिकता को समझने में सक्षम होते हैं। इस अंक वाले जातक दूसरों से काम लेने की क्षमता रखते हैं और लोगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे आप इस दिशा में अग्रसर होते हैं तो आप दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। आप कठिन परिस्थिति से निपटने में माहिर होते हैं। भाग्यांक दो वाले जातक बहुत अधिक उधार लेते हैं, लेकिन कई मौकों पर दिल खोल कर खर्च करते हैं। यदि भाग्यांक दो वाले किसी व्यापार या व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर को साझेदार अवश्य बनाएं। भाग्यांक दो वालों में आध्यात्मिकता क्षमता का गुण पैदा हो सकता है। आप में प्रेरणा देने वाले गुण और नेतृत्व करने की क्षमता होती है। भाग्यांक दो वाले जातकों में एक सहज आंतरिक शक्ति जागरूकता भी मौजूद होती है और एक अच्छे गुरु, सामाजिक कार्यकर्ता, दार्शनिक और सलाहकार बन सकते हैं। इस अंक के जातक अपने हर क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा और सजगता के साथ परिश्रम करते हैं। भाग्यांक दो वाले जातक बहुत जागरूक होते हैं और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहते हैं। इनका अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होता है। कई कार्यों में आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं और एक साझेदारी में आप अच्छा कर सकते हैं। इस अंक वाले लोगों में
काफी परिपक्वता, नम्रता, स्वभाव में गहरी समझ होती है। भाग्यांक दो भाग्य का एक सकारात्मक पहलू है, हमेशा एक आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाग्यांक दो के लिए नकारात्मक पहलू क्या है, इसको बहुत ध्यान से आप अपने जहन में बैठा ले, क्योंकि आप अगर इस पर विजय पालेंगे तो आप सब काम कर सकते हैं। भाग्यांक दो वाले जातक काफी संवेदनशील होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार छोटी छोटी बातें बुरी लगती है। इस अंक वाले लोग बहुत संकुचित, शर्मिले और निश्चयता का भाव रखने वाले होते हैं। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये लोग अपनी बातें और अपने विचार केवल अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। इन्हें ज्यादा मिलना जुलना नहीं पसंद होता। इन लोगों में बहुत चतुरता और चालाकपन देखा जा सकता है और ये लोग कभी कभार साजिशकर्ता भी बन जाते हैं। ये जातक बहुत संवेदनशील और मनमौजी होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा भाग्यांक दो के लिए शुभ दिन कौन सा है, शुभ महीना कौन सा है, इस बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। भाग्यांक दो के लिए शुभ दिन है रविवार और सोमवार। तो फिर से एक बार बता देता हूं, रविवार और सोमवार, संडे और मंडे। भाग्यांक दो वाले जातकों का शुभ महीना है जनवरी, फरवरी, सितंबर, नवंबर। शुभ महीना है जनवरी, फरवरी, सितंबर, नवंबर। इन जातकों के लिए शुभ तारीख है 2/11/20/29। शुभ तारीख 2/11/20/29। वहीं दो सही भाग्यांक वाले लोगों का मिलन कराने से कपल सदैव खुश रहते हैं। शादीशुदा जोड़े जो होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं अगर दो नंबर वाले दो नंबर से शादी करें। वहीं दूसरी ओर यदि गलत अंक को मिला दिया जाए तो कपल जीवन भर दुखी रहते हैं और उनके बीच रिश्ता मधुर नहीं रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दो भाग्यांक के लिए जीवन साथी, अगर दो भाग्यांक वाले जातक जो होते हैं वो वफादार और सबसे अच्छे प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं, समर्पित और सहायक प्रेमी होने के बावजूद अगर किसी भी तरह से आपको प्यार में धोखा मिलता है तो पार्टनर को आपके क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि आप एक महान प्रेमी हैं जो रिश्तों में हार नहीं मानते और साथ ही खुश रहना सुनिश्चित करते हैं। भाग्यांक दो वाले जातक ऐसे साथी को चाहते हैं जो समझदार और बातचीत में निपुण हो। भाग्यांक दो वाले लोगों के लिए 8 और 9 समान भाग्यांक वाले अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। तो जो दो भाग्यांक वाले हैं या तो वो दो से शादी कर ले या फिर भाग्यांक 8 या भाग्यांक 9 वाले से शादी करें, क्योंकि अंक 8 और 9 आपके स्वभाव को समझेंगे, आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे। परंतु समान अंक वाले जातकों से आप एक दूसरे को निर्णय लेने के लिए कह सकते हैं और ये विवाद की वजह भी हो सकती है। करियर, भाग्यांक दो वाले किस काम को करें जिससे उनको सफलता मिले, तो भाग्यांक दो वाले जातक अपना करियर अध्यापक, जर्नलिस्ट, अकाउंटेंट, समुद्री यात्रा, शुगर मिल, कृषि विभाग, संगीत, अभिनय, दंत चिकित्सा, जल सेना, फैशन डिजाइनर, मॉडलिंग आदि के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़, नमस्कार दोस्तों।